तो अब ये कल वाला होमवर्क था जो आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, जो कि आपने नहीं किया। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना था, ये आपको एग्जांपल दी गई थी, आपको बताया गया था कि यहाँ सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में आपको कुछ डेटा दिया गया है, इस डेटा को समझ लें। जैसे कि इसमें एक सेल्स डेटा है जिसमें कोई आइटम सेल हुआ है, ये उसका बिल नंबर है 1001, 1002, 1003, 1004। 1001 पर पहली तारीख 11 महीने की यानी कि नवंबर 1, 2024 को एक लैपटॉप सेल हुआ। लैपटॉप जो सेल हुआ वो कैटेगरी में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आके उसको सेल्समैन का नाम है एलाइस। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, सेल्समैन का नाम करण हो सकता है, राशिद हो सकता है, काशिफ हो सकता है, जो भी सेलमैन, उसने इसको बेचा और इसने इसको दो क्वान्टिटी में बेचा। इसकी यूनिट प्राइस थी 1500 रुपये। इस तरह यहाँ माउस बिका है, इसकी कैटेगरी एक्सेसरीज, और यहाँ पर प्रिंटर सेल हुआ है। ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर सेल हुई है, उनका डेटा है। क्वेश्चन ये थे यहाँ रिजल्ट्स के अंदर कि पहला सवाल था कि काउंट करें ऑर्डर्स जो एलाइस ने सेल किए हैं, मतलब एलाइस ने कितने ऑर्डर सेल किए हैं, ये एक्सेल कैलकुलेट करके बताएं। तो एक्सेल कैलकुलेट कैसे करेगा भाई? देखिए, एलाइस ने एक यहाँ बेचा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। एक्सेल से कैलकुलेट करवाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, फार्मूला पर जाएंगे, लुकअप मॉड्स एंड फंक्शन में जाएंगे, स्टैटिस्टिकल में जाएंगे, काउंट इफ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम एक रेंज बताएंगे। रेंज वो होगा जहाँ पे इसको आपने सर्च करना है, सेलेक्ट कर ले रेंज। अब इस पे क्या क्राइटेरिया रखना है? अब क्राइटेरिया हमारा है एलाइस, ठीक है। एलाइस को हमें यहाँ पर लेना है, अब एलाइस को लेने के दो तरीके, या तो हम कहीं सेल पे उसका नाम लिख लें, या फिर हम क्या करें कि हमने जो है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? ALICELIS, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये एलाइस का नाम यहाँ से लेगा और उसको इस रेंज में कैलकुलेट करेगा, जहाँ जहाँ एलाइस आया होगा उसको कैलकुलेट करके यानी कि काउंट करके यहाँ लिख देगा। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हम इसका ये कर सकते हैं, ठीक है, 4 काउंट हो गया यहाँ पे। दूसरा तरीका हम इसका क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीके में हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें काउंट करना है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम कितने सेल हुए। अब इलेक्ट्रॉनिक का आइटम यहाँ पे कितने सेल हुआ है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 कैलकुलेट कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी चीज को अब यहाँ पे लेके जाएंगे लुकअप एंड फॉर। अब जो एक दफा ले लेते हैं फंक्शन तो फिर हमें वो यहाँ मिल जाता है। तो अब की रेंज हो जाएगी हमारी ये, और क्राइटेरिया हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। स्पेलिंग सही लिखनी है, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, और मैच नहीं करेगा तो आंसर नहीं आएगा, ओके। ये देखें 5 कैलकुलेट कर दिया। अब कह रहा है ऐसे आइटम बताइए जो क्वांटिटी में 2 से ज़्यादा सेल हुए, तो 2 से ज़्यादा ये भी कहे, 2 से ज़्यादा ये भी कहे, 2 से ज़्यादा 3 आइटम सेल हुए। तो अब ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कैसे, काउंट इफ, और यहाँ पे हम कहेंगे रेंज हमारा हो जाएगा ये वाला कॉलम, और यहाँ पे जाके इसको हमने बताना है। अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा, मैथमेटिक्स में हम जब लिखते हैं ज़्यादा बड़ा तो लिखते हैं ग्रेटर देन, और जब लिखते हैं छोटा तो लेस देन। तो 2 से ज़्यादा ग्रेटर देन 2, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे आप। जैसे ही ग्रेटर देन 2 लिखेंगे और इसको ओके करेंगे तो यहाँ ओके करने पर आपको आंसर आ रहा है 3, मतलब एक 3 ही आइटम ऐसे हैं जो 2 से ज़्यादा सेल हुए। क्लिक करेंगे यहाँ पे, आप ऐसा बताएंगे जिसका अमाउंट 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा ये बिका है, दूसरा ये बिका है, तीसरा ये बिका है, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं दोबारा से काउंटिंग। अब के रेंज हो जाएगा हमारा ये वाला कॉलम अमाउंट, और यहाँ पे जाके क्राइटेरिया में जाके ग्रेटर देन 500 कर देंगे, 500 से ज़्यादा, 500 से कम करते तो लेस देन 500 कर देते। तो ये काउंट करके बताएगा ऐसे कितने आइटम है जो 500 से अबव थे सेल हुए, 3 कैलकुलेट करके बता रहा है, ओके। अब कह रहा है 3/11/2024 पे, यानी कि स्पेसिफिक डेट के ऊपर कौन सा आइटम सेल हुआ है। अब 3/11/2024 पे 1, 2 आइटम सेल हुआ है, ओके। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, काउंट इफ करेंगे, रेंज में डेट वाला सेक्शन ले लेंगे पूरा का पूरा, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डेट लिखेंगे 3/11/2024। क्लिक करने पे यहाँ पे देखा तो इसने कोई कैलकुलेशन नहीं करी यहाँ पे। याद रखें जब भी डेट को कंपेयर करेंगे तो डबल कोट्स में करेंगे, किसमें करेंगे, डबल कोट्स में। तो यानी कि एक डबल कोट आप लगाएंगे बिफोर, और एक लगाएंगे आपको एंड, और जैसे ही आपने लगाया तो इसने परफेक्ट मैच कर लिया, ओके कर दिया। तो 2 कैलकुलेट करके इसने आपको दे दिया, और ये इसने काम एक्सेल से हमने करवा लिया। एक्सेल से करवाने का एक फायदा ये है कि अब जब भी इसके अंदर कोई एंट्री आएगी इस तरह की,
ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करता चला जाएगा। चले अब चेंज करके देख लेते, एलाइस ने कितने आइटम बेचे, चार, तो मैं चार्ली की जगह पे एलाइस का नाम लिख रहा हूँ और एंटर किया तो कितने हो गए, पांच, ठीक है, खुद ही अपडेट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कितने आइटम बिके हैं, पांच, तो अब एक आइटम को इलेक्ट्रॉनिक से हटा के एक्सेसरीज में डाल रहा हूँ, कितने हो गए, चार। दो आइटम ऐसे क्वांटिटी में जो दो से ज्यादा बिके, तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता हूँ मैं चार, तो कितने हो गए, चार हो गए, ठीक है। और इसके अलावा 500 से ऊपर आइटम कितने बिके हैं, तीन, तो मैं इसकी सेल को भी 500 से कम कर देता हूँ, 350 कर देता हूँ, और ये कितने रह गए, टू। और इस डेट पे एक ही आइटम बिका था, एक और एंट्री हम यहाँ पे बना देते हैं 3/11/2024 की, और यहाँ पे हो गए तीन आइटम। इस तरीके से ये खुद ही कैलकुलेट करता चला जाएगा।